कितने तरीके से जुड़ता है। जैसे कि मान लो हमारे पास NH3 है, क्या है NH3 है, और हमारे पास यह मेटल है, क्या NH3 जो है मेटल को एक ही तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा एक ही बार में, मतलब एक ही डोनर एटम है इसके पास, बोलो जरा। जी यस सर। लेकिन मान लो कि अगर मैं कुछ ऐसे ले लूं, ऑक्जेलिक एसिड ले लूं, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का फोटो कुछ ऐसे होता है, तो आप बताओ यह ऊपर वाले ऑक्सीजन से भी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नीचे वाले ऑक्सीजन से भी, आप बताओ, क्या यह एक ही ऑक्जेलिक एसिड है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने दिए जा रहे हैं, मतलब कितने लोगों दो के सर, दिए जा रहे दो हैं, दो लोगों दो लोग, की दो पेयर, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी दो हो डेंसिटी जाएगी सर, दो हो जाएगी। अगर दो कोई तीन तीन देगा तो तीन हो जाएगा, हो जाएगी छह देगा सर, तो तीन छह हो छह हो जाएगा। गई। सर EDTA का क्या होगा सर? EDTA ओके EDTA का छह होगा क्योंकि वो सिक्स देता है, सर, समझ गया। ठीक है। इथिलीन डायमीन का दो होता है क्योंकि वह दो देता है। जी सर, ओके थैंक यू किसी को कुछ भी डाउट है? सर। एक मेरा डाउट था हाँ जी बताओ भाई। सर, मैं पढ़ रहा था बुक तो उसमें लिखा था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो मुझे समझ नहीं आया क्या होता है ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब होता है ना एटम को तोड़ना, एटम को क्या हो जाता है, तोड़ना। अब ये बताओ मान लो कि हमारे पास N2 है और N2 के नीचे कौन आता है, P2 है, ठीक है। अब ये बताओ इसको तोड़ूंगा तो 2N बनेगा और इसको तोड़ूंगा तो 2P बनेगा। अब ये बताओ जो N है साइज में क्या है, P से छोटा या फिर बड़ा, छोटा सर, छोटा छोटा है। और आप बताओ छोटे वाले को तोड़ना या फिर बड़े वाले को तोड़ना, इजी कौन है, सब बड़े वाले को तोड़ना, बड़े बड़े वाले वाले, को तोड़ना इजी क्योंकि है, बड़े वाले दूर बिल्कुल बॉन्ड बनाते बनाते हैं, बिल्कुल। तो नीचे वाले को तोड़ना इजी है, तो इसलिए इनथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन डिक्रीज मतलब डाउन द ग्रुप आने पे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज होगा, और इसमें सर क्लियर। एक क्लॉज भी था कि एक्सेप्ट फॉर N2O2 एंड F2, सो इसका रीजन क्या है? N2O2 एंड F2 देखो इसमें पता है क्या होता है, इसमें ध्यान से देखो, जैसे N2 है ना तो कुछ ऐसे बॉन्ड बनाता है N2, यह इतना पास आ जाता है और इसके पास कितने लोन पेयर हैं, कुछ लोन पेयर भी होते हैं, N2 हो गया, ऐसे ही O2 हो गया, और ऐसे ही क्या हो गया, F2 हो गया। अब F2 में बनाओ क्या तीन लोन पेयर है, क्या F2 में तीन यस सर, तीन तीन लोन पेयर है, तो ये आपस में लोन पेयर रिपल्सन करके बॉन्ड को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। आप बताओ जब दूर कर देगा तो इजिली टूट जाएगा, यस सर, तो ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर है तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन रिपल्सन करेंगे तो करते एक हैं, दूसरे को दूर लेके जाएंगे, और दूर लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है बॉन्ड बड़ा होगा, बॉन्ड बड़ा होगा तो टूटेगा जल्दी, ये आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, क्लियर ठीक है, है क्या बात यस सर। है। तो ये बताओ बाकी तो ठीक है, आप लोग से टीम मिली थी क्या, बनती की टीम कब से सर? पता नहीं, मतलब कुछ बच्चों से मिली है, चलो आओ जब देखते इवेंट हैं। हुआ था, हाँ इवेंट में आप लोग गए थे, सभी को गया था ना, चलो यस सर, उसमें तो गई बढ़िया थी, यार, संडे को ही थी, अब हुआ बढ़िया। था सर? अब देख संडे को हुआ था, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, टी लास्ट ब्लॉक एलिमेंट्स, आज हम लोग कौन सा फैमिली पढ़ेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली ब्लॉक पढ़ेंगे, एलिमेंट, हमने तीन फैमिली पढ़ लिया, ठीक है, और तीनों के पी वाई क्यू भी कर लिए। अब सिंपल सी बात है ना, इसमें कुछ फैमिली का बचा हुआ है, आओ देख लेते हैं। ये तो पता ही आपको, तीन से चार क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया है आपको, सिंपल सी बात है। आज क्या लेक्चर लेने के बाद ग्रुप 16 के पी वाई क्यू हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, हमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना है, जनरल ट्रेंड देखना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, और यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, यूनिक बिहेवियर बोल लो या फिर एनालोगस बिहेवियर बोल लो। ओके आओ कुछ प्रीवियस क्लास का रिपीटिशन कर लेते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द एनायन और माइनस सर, ये थ्री आपने बता दिया था कल पिछली क्लास में। क्या बातें, क्लियर है क्या, यस यस सर, मुझे नहीं लग रहा कि ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, कौन सा ये सर आपने वाला? बोला था सॉल्व कर लेना, हाँ तो बताओ कितना आएगा, -3 सर, -3 सर, और चैट सेकंड बॉक्स में वाले में बताओ, होगा, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग सही बता रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग सही बता रहे हो।
सिंपल सी बात है, ये बताओ सोडियम का क्या होता है, क्या प्लस वन होता है क्या? यस सर। हाइड्रोजन का क्या होगा? माइनस वन। प्लस वन इसका भी होगा। अच्छा ठीक है, फास्फोरस को आप एक्स मान लो और ऑक्सीजन का माइनस माइनस टू, ओवरऑल जीरो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा बताना, बीच में प्लस जोड़ दो। तो हमारे पास यह हो जाएगा कि प्लस वन और प्लस टू कितना हो गया हमारे पास, प्लस थ्री प्लस एक्स और माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस वन आएगा ना। प्लस वन। यस सर। यस सर। अब ये बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो टेट्राहेड्रल शेप का नहीं है? सर SF4। SF4। यह इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सीसा होता है। क्या होता है? सीसा। आप लोग पढ़ लेना। चलो जरा इसका बताओ, इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज अ, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो इसका होता ही है ना। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कौन बोला है? रासायनिक सॉलिड देखो पता है क्या होगा, अगर PCl4 प्लस होगा ना तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और PCl6 माइनस होगा तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या बात है, क्लियर है क्या? पहली बात सुन लो, जो हमारे पास फास्फोरस है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। अब ये बताओ तीसरा वाला पॉसिबल क्यों नहीं है, तीसरा वाला पॉसिबल? पहली बात सुन लो, हमारे पास अगर PCl5 होगा ना तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, sp3d होता है। इसका मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, अब एक बार ध्यान से सुन लो, अगर हमारे पास PCl6 अगर प्लस होगा ना तो क्या होगा, जरा P को आप एक्स मान लो, क्लोरीन को माइनस सिक्स मान लो, ओवरऑल प्लस सेवन हो जाएगी। लेकिन आपको पता है फास्फोरस का मैक्सिमम कितना होता है, प्लस फाइव होता है, फाइव होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। जरा आप लोग ये वाला बताना, ये वाला जरा आप लोग बताओ, आप लोग सर थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन, थर्ड करेक्ट। यस सर, ऑप्शन सी। यस सर। इनमें से मेटल कौन है सर? PbO4, Pb3O4। मेटल कौन है इसमें सर? ये है ना सर, Pb3O4 लीड। अरे भाई बिस्मत वाला है। अरे सर, सबसे नीचे जो होगा वो मेटल होगा ना? यस सर। ये बताओ सर, लीड भी तो मेटल होता है? लीड मेटल नहीं होता। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, मेटल क्या क्या होगा, मेटल बढ़ता है कि कम होता है? सर बढ़ता है, मेटल बढ़ता है सर। अब सिंपल से ये बताओ, सबसे अच्छा मेटल कौन होगा हमारे पास? बिस्मत वाला होगा। मेटल का ऑक्साइड एसिडिक या फिर बेसिक? सर एसिडिक, एसिडिक होगा भाई। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो इसका एसिडिक होगा तो दूसरा ऑप्शन होगा, बोलो। अब यहाँ पे नॉन मेटल आपको कौन दिख रहा है, क्या नॉन मेटल N2O दिख रहा है क्या? इसका ऑक्साइड क्या होगा, इसका ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, क्या बात है? आप लोग को आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कुछ डाउट है क्या किसी को? अरे नहीं डाउट है ना? नो सर। सर सेकंड ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है ना?
अब ये बताओ कि हमारे पास जो बिस्मत है उसका कौन सा हो रहा है, यह मेटल है और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, तो डी का थ्री किस में मैच कर रहा है? यस सर, सेकंड वाले किसके किस में मैच कर रहा है? थर्ड वाले सर, और सेकंड ऑप्शन नहीं है, सेकंड वाले, सेकंड वाले में कर रहा है ना? यस सर। चलो इसको आपको ट्राई करना, ठीक है, इसको आपको ट्राई करना सर। हाँ जी सर, आ जाते हैं थोड़ा सर, जो इसमें Mn2O7 दे रखा है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो फिर इसका 7R, तो इसका न्यूट्रल होना चाहिए। अगर हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे तो सी का 2 आ रहा है, सी का 1 आ रहा है। देखो पहली बात सुन लो, जो मैंगनीज होता है ना इसमें बहुत सारे केस होते हैं, आप ध्यान से देखोगे ना तो MnO2 भी होता है, MnO4 भी होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे हमारे पास Mn2O7 भी होता है, इसके कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो इसके कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कुछ एसिडिक होते हैं कुछ बेसिक भी होते हैं, समझे क्या? Yes. बोलो जरा। तो पहली बात इतना जान लो कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक बेसिक मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है ना, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है ना, बोलो जरा सर, बेसिक होता है, ठीक है, चलो कर लेते हैं आपको अगला देखते हैं। आप ग्रुप 15 में थोड़ा सा और कुछ छूटा हुआ था, तो थोड़ा सा ना हम एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के बारे में जान लेते हैं कि जो फास्फोरस के जो एलोट्रॉप्स है ना क्या, तो ये बताओ एलोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है सर? जिसके सर एटॉमिक नंबर तो सेम रहते हैं बट एटॉमिक मास चेंजेस चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो होता है आइसोटोप्स होता है। एलोट्रॉप्स का मतलब जो फास्फोरस होता है ना वो कई तरीके का पाया जाता है, पहली सर उसका भाई कह सकते हैं, जैसे कार्बन के होते हैं अलग अलग, बिल्कुल भाई बोल सकते हो, जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन का भाई एक ग्रेफाइट हो गया और एक क्या होगा, एक डायमंड हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, एक और हो गया सर वो जो होता है बकमिस्टर फ्लोरेंस, वो एफ से कुछ होता है सर, सिलिकॉन कहाँ से आ गया, वो कार्बन है, उसके नीचे वाले ग्रुप से होता है एक दूसरा कोई फुलेरिन्स होता है, तो जो अक्सर हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो ऐसे पढ़ते हैं, जो C60 वाला ग्रुप ना यस सर होता है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं ये ग्रेफाइट और डायमंड वाला ही पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, पहली बात ऐसे ही फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से पाए जाते हैं, व्हाइट रेड और ब्लैक, व्हाइट रेड और ब्लैक, सबसे पहले हम व्हाइट वाले की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, व्हाइट वाले की। जब व्हाइट वाले की बात करेंगे ना तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, मान लो कि हमारे पास P4 व्हाइट वाला है, ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया और पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया और पानी डाल दिया, तो PH3 मिलेगा। आप बताओ PH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं PH3 को, कोई बताएगा क्या, कोई बताएगा मुझे, फास्फोरस हाइड्राइड, फास्फीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फास्फीन, और इसके साथ हमारे पास मिलेगा सोडियम हाइपो, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है, हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, अभी इसी में ना हम लोग ने क्या निकाला है बताना जरा, फास्फोरस का, बोलो भाई, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो जो व्हाइट फास्फोरस होता है ना वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, और इसके बीच का जो एंगल कितना पाया जाता है, 60 डिग्री। अब जो यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना यह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके P4O10 बना लेता है, क्या बना देता है, P4O10 बना लेता है, और P4O10 किस कलर का होता है, व्हाइट क्या हो जाएगा, प्लस वन आएगा ना, दूसरे साइड जाएगा तो सर जो फॉस्फीन इसमें वो होता है निकलता है वो तो वो होता है ना पॉइजनस, क्या चीज, हाँ फॉस्फीन, देखो यार नुकसान कई नुकसानदायक होता है, ठीक है, पॉइजनस होता है। अब देखो यहाँ पे P4O10 बन गया, P4O10 किस कलर का होगा, व्हाइट फ्यूम जैसा होगा, ठीक है, क्या, व्हाइट फ्यूम जैसा होगा। अब देख लो
कि हमारे पास पता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस बोलते हैं। एच थ्री पी ओ टू को क्या बोलते हैं? हाइपो फॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? प्लस। और इसका अगर आप लोग फोटो देखोगे तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ओ एच होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ होगा और एक एच होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपो फॉस्फोरस। हो क्या बात है, क्लियर है क्या? हाइपो फॉस्फोरस। अब देखो, अब एक होता है हाइपो फॉस्फोरस, आर्थो हाइपो फॉस्फोरस। ये तो जो हमारे पास क्या है, एच थ्री पी ओ टू है या हाइपो फॉस्फोरस है, और एक आता है एच थ्री पी ओ थ्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थो हाइपो फॉस्फोरस। अगर इसमें आप लोग फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितना होता है? प्लस थ्री होता है। कितना होता है? प्लस थ्री होता है। इसका फोटो देख लो, इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, हमारे पास पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आएगा ओ एच और यहाँ पे आएगा ओ एच और यहाँ पे क्या आएगा? एच आ जाएगा, एच आएगा, एच। क्या बात है, क्लियर है क्या? एच थ्री पी ओ थ्री हो गया। अब देखो, अब हमारे पास पायरो पायरोफॉस्फोरस। हाँ जी बताओ सर, मैं ये पूछ रही थी, ये जो ऑर्थोफॉस्फोरस है ये बोन्स में पाए जाते हैं ना? हाँ, ये फॉस्फोरस वगैरह बोन्स में ही पाए जाते हैं। अब देखो, अब हमारे पास आया पायरो फॉस्फोरस। पायरो फॉस्फोरस का कैसे? एच फोर पी टू ओ फाइव। क्या होगा? एच फोर पी टू ओ फाइव। इसका फोटो मैं बना देता हूँ। देखो, पी हो गया, यहाँ पे ओ हो गया और यहाँ पे पी हो गया, ये तो कुछ ऐसे हो गया हमारे पास। क्लियर है क्या बात है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया। कितने ऑक्सीजन हो गए जरा बताना सर? टू। दो ऑक्सीजन हो गए। अब कितने ऑक्सीजन और बचे हुए हैं? तीन। अब क्लियर है क्या? अब देखो, यहाँ पे एक OH हो जाएगा और यहाँ पे एक OH हो जाएगा। बताओ जरा क्या फॉर्मूला आया हमारे पास? H4 दिया हुआ है ना, एक में H4 होगा ना सर। कितने ऑक्सीजन हो गए? पांच ऑक्सीजन हो गए ना। ऑक्सीजन तो पूरे हो गए सर। कहाँ पे कमी आ गई यार? सर पांच है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ऐसे बनाओ, ऑक्सीजन पांच है ना? हाँ हाँ, ऑक्सीजन पांच है। तो देखो यहाँ पे एक, देखो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है। मैंने थोड़ा सा कुछ रॉन्ग कर दिया इसे। देखो इसमें मैंने कुछ ऐसे कुछ रॉन्ग कर दिया। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ इसका फोटो बनता है, ई ओ पी, ठीक है। अब इसके बाद चार ओ एच बनेगा, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे। क्या हो गया, क्या जरा बताना? यस हो गया। ये है हमारे पास क्या, पायरो फॉस्फोरस हो गया। एच फोर पी टू, अभी एक एच रह गया ना सर। कहाँ पे? ओ में। अच्छा, ओ में सर, ओ में। अब इसके बाद आएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या आता है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला है H4P2O6 है। ये आपके सिलेबस में नहीं, ज्यादा पूछेगा नहीं, इसको मैं हटाई देता हूँ। एक आता है आर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसमें जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? प्लस फाइव होता है। एक आता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव। और एक आता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसमें जो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? प्लस फाइव होगा। क्या किसी को कुछ डाउट है? सर ये जितने भी इसकी वैरायटीज थी, ये सारे एलोट्रोप्स थे या क्या थे? ये एलोट्रोप्स वगैरह नहीं है, इनके कंपाउंड है, फास्फोरस के कंपाउंड है। अच्छा, एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स तो आपको तीन ही मिलेंगे, व्हाइट, रेड और ब्लैक। ब्लैक। हाँ जी जतिन बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो आप? सर जो आप सर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं सर, वो नोट्स के लिए सफिशिएंट है ना सर? उतने ये लिख ले तो बस ना। बिल्कुल यार, बिल्कुल। आप लोग से पीवाईक्यू हो जाते हैं कि नहीं, ये बताओ? जी सर हो जाते हैं। बस वही चाहिए कि PYQ हो गया, इसका मतलब वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? ओके सर। बाकी आप लोग PYQ करते रहे। ये इन सब के फोटो है, जो फोटो मैं बता रहा था ना, इन सब के क्या है, फोटो है, तो आप लोग फोटो देख ले दो। इसको मिटाओ, डायरेक्टली आते हैं हम ग्रुप 16 में, क्योंकि ये सब कुछ है नहीं वहां पे। अब आ जाते हैं किस में हम लोग, ग्रुप 16 में। और ग्रुप 16 में हमें क्या क्या पढ़ना है जरा बताना? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टी एंड एनालोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है क्या? कुछ यही हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का सिंबल ओ है, एटॉमिक नंबर 8 है,
और एटॉमिक मास 16 है, और यह क्या है? नॉन मेटल है. क्या है? नॉन मेटल है. नॉन मेटल. ऐसे ही बात करें सल्फर की, तो सल्फर भी नॉन मेटल होता है. सल्फर भी क्या होता है? नॉन मेटल होता है. सेलेनियम क्या होता है जरा बताना? मेटलॉइड. मेटलॉइड. और टेलुरियम भी क्या होता है? मेटलॉइड होता है. और ऊपर से नीचे आओगे तो मैंने क्या बोला? मेटल. सबसे पहले नॉन मेटल, फिर मेटल. मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है. अब ये देखो, इस वाले जो ग्रुप को, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को एक और नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? कैल्कोजेंस. क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस. पहली बात, नाइट्रोजन वाले ग्रुप को निकोजेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? निकोजेंस बोलते हैं. नाइट्रोजन वाले ग्रुप को, वो मैंने बताया नहीं, लेकिन हैलोजन, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को कैल्कोजेंस बोलते हैं. कैल्कोजेंस बोलते हैं. ठीक है क्या? क्लियर है बातें? क्लियर है. कुछ ऐसे. अब सिंपल सी बात बात करते हैं ऑक्सीजन का. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p4. आठ हो गए क्या? आप बताओ आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4. 6. तो यह हो जाएगा हमारे पास हीलियम, और हीलियम के साथ क्या हो जाएगा बताओ जरा? NH2 और NP. NH2, MP4. MP4. तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है जरा बताना? NH2 और MP4 हो जाता है. क्या बातें? क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ जरा एक बार. आप कोई डाउट नहीं है ना? नो सर. अब देखो, आओ बात कर लेते हैं कि ये सब प्रेजेंस कहाँ पे होता है, कहाँ पाया जाता है. सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन का. तो ऑक्सीजन जो हमारे पास वायुमंडल में 21% पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में. यस सर. और पूरे अर्थ की बात करें पूरे, क्या ऑक्सीजन लेवल ये कम होता रहता है, बढ़ता रहता है. ठीक है. अब ये बात ये देख लो हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? अब बात कर लेते हैं अर्थ क्रस्ट की. तो अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट पाया जाता है? लगभग 46.6. ये बहुत ही ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है. अबंडेंट का क्या मतलब है जरा बताना? सर भारी मात्रा में हमें मिलता है, प्रचुर मात्रा में, फिर जो भी बोले पाया जाता है. अब बात कर लेते हैं और भी. सबसे पहले बात करते हैं सल्फर की. तो सल्फर पता है क्या? सल्फेट के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है. आप ये बताओ, जो प्याज से आंसू निकलती है किस वजह से निकलते हैं? हाइड्रोजन गैस. अरे बोल दो सर, सल्फर की वजह से. सल्फर इसमें भी होता है. सल्फर आपके लहसुन में भी होता है, आपके हेयर में भी होता है, अंडे में भी होता है. ये क्या है जरा बताना? जीरा है क्या? क्या है सर? अजवाइन है. अजवाइन. अजवाइन है. और ये क्या है? ये ऊन है क्या? सर अंडे है. यार प्याज में से रिलीज कैसे होता है सर? किस फॉर्म में? क्या चीज? क्या बोल रहे सर? प्याज में से सल्फर रिलीज कैसे होता है, मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कभी भी सुन लो. हां सर, ये जो सल्फर होता है ना, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आके, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके रिएक्ट होते हैं, फिर हमारे नोज में जाते हैं. पता है क्या होता है? ये ना कंपाउंड्स के फॉर्म में पहली बात रिलीज होते हैं. कोई भी ना अकेले कहीं नहीं जाता, किसी ना किसी के साथ मिलकर जाता है. चाहे आप हाइड्रोजन को ले लो, चाहे ऑक्सीजन को ले लो. तो अक्सर जो चांस होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास फ्री में अवेलेबल है. ठीक है. यस सर. ओके. अब देखो, अब सबसे पहली बात देख लो, जो सल्फर है ना, वो सल्फेट के फॉर्म में कैसे पाया जाता है? तो एक होता है जिप्सम. जिप्सम का फॉर्मूला देखो, कैल्शियम CaSO4.2H2O. ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा. इसके बाद आता है Ipsum salt होता है MgSO4.7H2O. उसके बाद आता है बेराइट. क्या होता है? BaSO4. ठीक है. ये सब आप लोगों को क्या? बेरियम सल्फेट. क्या? हाँ, बेरियम सल्फेट, जिसको बेराइट. अच्छा. तो क्लियर है क्या? इसमें भी तो सल्फर दिख रहा है ना आपको. अब पहली बात देख लो, सल्फर अबाउट 0.03 से 0.01% तक अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है. ठीक है. यह तो हो गया सल्फेट के फॉर्म में. सल्फेट पता है क्या? SO4 को हम लोग सल्फेट बोलते हैं. तो सल्फेट के फॉर्म में पाया जाएगा, तो इसको हम लोग सल्फेट बोलेंगे. अब बात करते हैं सल्फाइड का. इसका बात कर लेते हैं सल्फाइड का. तो सल्फाइड H2- होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फाइड बोलते हैं. अगर S6+ में होता है, तो इसको हम लोग सल्फेट बोलते हैं. तो सबसे पहले हम सल्फाइड का देखेंगे. तो सल्फाइड के फॉर्म में गैलेना के फॉर्म में पाया जाता है. गैलेना को क्या बोलते हैं? PbS बोलते हैं. क्या बोलते हैं? PbS बोलते हैं. तो गैलेना के फॉर्म में पाया जाएगा. जिंक ब्लेंड के फॉर्म में पाया जाएगा, यानी कि ZnS. क्या? जिंक ब्लेंड के फॉर्म में पाया जाएगा, ZnS. उसके बाद पाया जाएगा कॉपर पायराइट. किसके बारे में? किसके पास पाया जाएगा? कॉपर
पायराइट, पायराइट CuFeH2 कॉपर पायराइट के फॉर्म में भी पाया जाता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब बात कर लेते हैं सेलेनियम और टेलुरियम का। सेलेनियम और टेलुरियम का सबसे पहले बात कर लेते हैं सेलेनियम का। तो सेलेनियम जो होता है ना, सेलेनियम कुछ इस प्रकार पाया जाता है, यह भी सल्फाइड के ओर में पाया जाता है। क्या है हमारे पास? Cu2SN4। क्या है? सेलेनाइड सल्फाइड है, सेलेनाइड सल्फाइड है, ठीक है क्या? ऐसे ही टेलुरियम की बात करें तो क्या होगा हमारे पास? BiTe2S। क्या बातें क्लियर है? Yes. अब उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? पोलोनियम आएगा। क्या आता है? पोलोनियम। तो अकर्स एज डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। तो जब जो हमारे पास थोरियम और यूरेनियम मिनरल्स होता है ना, तो उसमें से कौन निकलता है? पोलोनियम निकलता है। उसमें से कौन निकलता है? पोलोनियम निकलता है। कुछ कुछ आप याद रखो। और सबसे लास्ट वाला होता है लिवरमोनियम। क्या होता है? लिवरमोनियम। मैं आपको लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेलुरियम, टेलुरियम के बाद पोलोनियम, पोलोनियम के बाद लिवरमोनियम। ठीक है क्या? क्लियर है बातें? क्लियर है। तो यही कुछ है। और इतना मान के चलो जो लिवरमोनियम है वह क्या है? वह हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव। आओ बातें करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास जो, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे है कि जो ऑक्सीजन है ना, उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सल्फर वाले में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। बात करते हैं सेलेनियम से लेके पोलोनियम तक, तो इसमें जो इनर डी ऑर्बिटल होता है, क्या होता है? इनर डी ऑर्बिटल। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज की। ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज क्या होने लगता है? इंक्रीज होता है सर, इंक्रीज होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आप बताओ ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है सर? डिक्रीज होती है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल से इसका डिक्रीज और कुछ भी नहीं है। आयनिक रेडियस भी ऊपर से नीचे आओगे तो डिक्रीज होगा। आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा ना सर? सॉरी, इंक्रीज होगा। आयनिक रेडियस का क्या मतलब है? ये सब के सब हमारे पास है वो क्या बोलते हैं कि नॉन मेटल होते हैं ऊपर वाले। नॉन मेटल का मतलब अगर जैसे जैसे माइनस की संख्या बढ़ती जाएगी, तो माइनस की संख्या बढ़ती जाएगी तो आपको पता है साइज बढ़ता जाता है। क्या होता है? साइज बढ़ता जाता है। क्लियर है क्या? Yes. अब देख लो, जो हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है। क्लियर है क्या? Yes. अब देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्मॉलर देन ग्रुप 15 एलिमेंट ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड। ये मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे पास नाइट्रोजन वाला है ना, तो नाइट्रोजन वाले का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, कार्बन से भी ज्यादा होता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है जरा बताना ये? क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को? इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? देखो, इलेक्ट्रॉन अगर आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिलीज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन। नहीं बोलते हैं एंट्रोपी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमारे पास ध्यान से देखो, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, आप बताओ किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? कम होता है, डिक्रीज होता है। और लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होता है। लेकिन इसका देखो, इसका ऑर्डर उल्टा सीधा है। पहले तो इंक्रीज किया और फिर क्या किया? डिक्रीज किया। पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया है। रियल बताऊं तो डिक्रीज ही होना चाहिए, लेकिन पहले दूसरे में क्या है? प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? देखो, जो एस होता है ना, एस मोर इंथैल्पी देन ऑक्सीजन होता है। तो जो हमारे पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, सल्फर का होता है, तो सल्फर का क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है।
रीजन क्या है कि ऑक्सीजन का साइज क्या है, स्मॉल है, क्लियर है बातें क्या? और ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है ना, तो यह इलेक्ट्रॉन रन नहीं रखना पसंद करता है, इसलिए इस यह क्या है, इसका सल्फर का ज्यादा है, क्या बातें क्लियर है? Yes. अब देखो ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई। सर एक चीज बता दो। बताओ सर, आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कुछ हीट देनी पड़ती है क्या? देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि हमारे पास यह क्या है, यह एटम है, क्या है यह एटम है। अब एटम के बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा। तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े वही क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर डालने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी। पहली बात, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम खुद एनर्जी देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि आपस में ये रिपल्सन करते हैं ना, तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वह एनर्जी है कि एनर्जी क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पता है क्या, किसी ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाओगे ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी, मैं बता रहा हूँ क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पता है क्या, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में होता है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करता है। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे ना, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। आप बताओ, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि और भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। और जब अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। क्या बात है, क्लियर है क्या? यस सर। एफिनिटी के अपोजिट होती है सर, वो पॉजिटिव में होती है। ये एफिनिटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अपोजिट होता है। लेकिन मैंने सर कुछ पढ़ा था कि वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, माइनस और प्लस में, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। हाँ, इतना ही होता है, इतना ही होता है। अब देखो, मान लो कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर दे दिया, वह कौन सी एनर्जी निकली, माइनस के रूप में निकली। लेकिन जब आप दूसरा देने जा रहे हो ना, तो आपको पता है क्या होता है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन तो सब होते ही आउटर मोस्ट में, ऊपर से मैंने एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब जब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाऊंगा ना, तो वो नहीं लेगा, बोलेगा कि मेरे पास जगह नहीं है। और जब जगह नहीं है, तो क्या मैं जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा क्या? हेलो सर। अरे जबरदस्ती दूंगा, और जबरदस्ती दूंगा तो क्या होगा, मेरी एनर्जी लगेगी। यस सर। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ना, उसका जो पहला होता है ना, पहला डेल्टा एच वन, वो होता है माइनस, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो दूसरा होता है ना, वो प्लस होता है, क्योंकि अब हम उसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। बोलो, बातें क्लियर है क्या? जी सर। यस सर। डाउट है किसी को कुछ भी? ये ऑलवेज नेगेटिव आएगी ना, मतलब पॉजिटिव? पहला वाला नेगेटिव आएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव आएगा। सर मेटल्स के लिए भी? क्या मेटल्स के लिए भी रही है? मेटल्स और इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन निकालना। ओके सर, ठीक है। अब आओ बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देना सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे ना, तो साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होती जाएगी, होती जाएगी सर। यस सर, ठीक है। अब किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, बताना जरा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऊपर से नीचे आओगे ना, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वह बढ़ता जाएगा, लेकिन जो पोलोनियम का होता है लास्ट वाले का, थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन वही बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ना, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और इसमें भी जो हमारे पास पोलोनियम का होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज, थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर।
अब देखो कि हमारे पास ये बताओ 55 से सीधा किस में चला गया 393 में, आप बताओ काफी ज्यादा डिफरेंस है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के फॉर्म में पाया जाता है और जो सल्फर होता है वो S8 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है क्या? यस सर। अब देखो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, पहली बात स्टार्टिंग वाले जो दोनों क्या है ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेलुरियम क्या है मेटलॉइड है, और पोलोनियम क्या है पोलोनियम मेटल है। अब ध्यान से देखो हमारे पास बोल रहा है कि नोविंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2-, जो पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना वो -141 है और दूसरा कितना है 702। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड हैविंग O2 स्पीशीज नॉट O- स्पीशीज, मतलब हमें क्या करना है जरा बताओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास ये आंसर है। तो सबसे पहले पता है क्या बोला है, सबसे पहले ये बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड डिपेंड अपॉन लैटिस एनर्जी, क्या आपने लैटिस एनर्जी पढ़ाई क्या? यस सर, जो एनर्जी उसके स्ट्रक्चर लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है। बिल्कुल, तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी इंक्रीज करोगे तो कंपाउंड क्या होगा बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल हो जाएगा कंपाउंड, क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैरीड बाय आयन, तो आप बताओ कि हमारे पास यह जो है दो आयन कैरी कर रहा है और हमारे पास यह वन आयन कैरी कर रहा है, तो जिसके पास चार्ज चार्ज ढोने की कैपेसिटी ज्यादा होता है उसका लैटिस एनर्जी भी क्या होता है ज्यादा होता है। आप बताओ लैटिस एनर्जी जो हमारे पास O2- का है ज्यादा होगा, O- का क्या होगा कम होगा सर, क्या बातें क्लियर? क्या जो हमारे पास O2- का ऑक्साइड होता है या ज्यादा फॉर्म होता है और O- का क्या होता है कम होता है, रीजन क्या है जरा बताना जरा सर। बिकॉज लैटिस एनर्जी ज्यादा है उससे O2 वाले जो कंपाउंड से ज्यादा फॉर्म होंगे, O2- है ना वह ज्यादा स्टेबल है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा फॉर्म होगा, कम स्टेबल होगा तो कम फॉर्म होगा, कम फॉर्म। यस सर, क्या बातें क्लियर है क्या कुछ? यस सर। यस सर। अब आओ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन यह मैक्सिमम कितने कोवेलेंसी कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, और तीन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो -1 भी होता है -2 भी होता है +2 भी होता है, क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, अब ये बताओ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका प्लस कैसे आया, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका प्लस कैसे आया, तो सिंपल सी बात है जब ऑक्सीजन को आप फ्लोरीन से जोड़ दोगे ना तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ और इसके पास प्लस आ जाएगा, समझे क्या? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वही इलेक्ट्रॉन खींचता है, वही माइनस होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो पॉजिटिव होता है। सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? हाँ बहुत ही ज्यादा, इसके वो किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब देखो अब बात करते हैं सल्फर का, तो जो सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना -2 +2 +4 और +6, क्लियर है? -2 +2 +4 और +6। अब एक बात कर लेते हैं सेलेनियम का, तो सेलेनियम भी -2 +2 +4 और +6 हो करता है। अब देखो जो टेलुरियम होता है ना वो +2 +4 और +6 हो करता है, पोलोनियम जो होता है केवल और केवल +2 और +4 हो करता है। डन? यस सर। डन। अब ध्यान से देखो कि जो हमारे पास सल्फर होता है ना सल्फर यह ऑक्सीडेशन के ऑक्सीजन के साथ +4 शो करता है और टेलुरियम जो होता है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ +6 होता है। आओ बातें कर लेते हैं। अब देखो आप बताओ ऊपर वालों के पास क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? सबके पास है, तो पता है क्या होता है ऊपर से नीचे आने पर ना स्टेबिलिटी जो होती है वो -2 की क्या होने लगती है डिक्रीज होने लगती है। आप बताओ क्या ऑक्सीजन के पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? यस सर। क्या सल्फर के पास भी है क्या? क्या सेलेनियम के पास भी है क्या? लेकिन क्या टेलुरियम और पोलोरियम के पास है? नहीं है ना। तो ऊपर से नीचे आने पे
हमारे पास जो प्लस टू की माइनस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होने लगती है सर? डिक्रीज होने लगती है। और स्टेबिलिटी ऑफ प्लस सिक्स की भी क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। आओ फिर से बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। किसकी बात कर लेते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो पता है क्या, ऊपर से नीचे आने पे आप बताओ क्या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा क्या? Yes. और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो इन इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन इफेक्टिव शील्डिंग यानी कि शील्डिंग नहीं कर पाएगा, और शील्डिंग नहीं कर पाएगा, शील्डिंग का क्या मतलब है? धक्का देना। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आपने क्या करवाया? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे ना तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मान लो कि शील्डिंग इफेक्ट लगता है तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब कि यह अंदर न्यूक्लियस से बचना चाहता है लेकिन यह धक्का नहीं दे पाता है। जब धक्का नहीं दे पाएगा तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या जाती है? कमी आ जाती है। अब देखो कुछ रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस क्या है? जो ग्रुप 16 एलिमेंट है ना उनका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है। आप बताओ, मान लो कि हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2O। और सल्फर क्या बनाएगा? सल्फर H2S। यस सर। सेलेनियम क्या बनाएगा? Se H2। क्या कुछ ऐसे बनाएंगे क्या? ऐसे ही बनाएंगे। आओ कुछ देखते हैं। हमारे पास रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन का देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन का देखते हैं। तो देखो, जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन क्या मिलके बनाएगा? H2O बनाएगा। सल्फर क्या बनाएगा? H2S। सेलेनियम क्या बनाएगा? H2Se। टेलेनियम क्या बनाएगा? टेलुरियम। H2Te। अपोलोनियम क्या बनाएगा? H2PO। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes. अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं ना तो ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होने लगती है? क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि आप बताओ पोलोनियम का साइज इतना बड़ा और हमारे पास हाइड्रोजन का साइज केवल 1s, तो आप बताओ क्या बॉन्डिंग अच्छे से होगी क्या? नो सर, नहीं होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्डिंग अच्छे से नहीं होती है तो इससे स्टेबिलिटी क्या होने लगती है? कम हो जाएगी। कुछ डाउट हो तो बताओ जरा इसमें। नो सर, कुछ डाउट नहीं ना? नो सर, कुछ डाउट नहीं है। ये तो मैंने बता दिया। रिड्यूसिंग नेचर तो बताओ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना रिड्यूसिंग नेचर का मतलब ये होता है कि मान लो कि अगर हाइड्रोजन इसमें से टूट जाएगा तो पोलोनियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और पोलोनियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा। इसलिए ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। आप बताओ कि ये बॉन्ड ज्यादा वीक है तो बॉन्ड टूटेगा तो H+ निकालेगा, और H+ निकालेगा तो एसिडिक होगा, तो ऊपर से नीचे आने पे एसिडिटी भी क्या होने लगती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या मैंने ये लास्ट क्लास में सब बताया था क्या नाइट्रोजन के लिए? सब मैंने बताया था नाइट्रोजन के लिए आप लोग। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बताओ। सर जैसे हमें दे दिया H2PO और देख दिया H2TE दे दिया हमें, और पूछते हैं कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो कोई जैसे हमें याद भी नहीं है तो कोई तरीका है डिटरमाइन करने का? एक मिनट, H2TE दे दिया, इसमें दे दिया H2PO और एक दे दिया H2TE और बोला कि विच हैव ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, तो हम कैसे पता लगाएंगे? कुछ ऐसे है और TE H2O कुछ ऐसे। आप बताओ, हमारे पास P है, पोलोनियम है, और इसके पास हाइड्रोजन है और इसके पास हाइड्रोजन है, हमारे पास टेलुरियम है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है। सबसे पहले ये बताओ कि आपको पता है ना कि जो हमारे पास टेलुरियम के नीचे पोलोनियम आता है, जरा बताओ। यस सर, इतना पता है। तो आप बताओ तो साइज किसका बड़ा होगा? पोलोनियम का बड़ा होगा। जब पोलोनियम का बड़ा होगा तो ये पीछे से लगे होंगे तो काफी दूर दूर होंगे, ठीक है? यस सर। जब इनके में ओवरलैपिंग ही अच्छा नहीं होगा, अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनेगा तो दूर दूर होंगे, और जब अच्छा ही बॉन्डिंग होता तो जाहिर सी बात है पास पास होते। क्लियर है क्या? यस सर। बॉन्ड लेंथ भी देख लेना आप लोग। इसके बाद आता है ना रिएक्शन ऑफ ग्रुप 16 विद एलिमेंट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होता है? सबसे पहली बात देखो, तो मान लो कि हमारा पहला एलिमेंट क्या है, जरा बताना। ऑक्सीजन है।
और ऑक्सीजन का किससे रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन से, तो आप बताओ क्या बनाएगा? ऑक्सीजन का किससे रिएक्शन होगा? ऑक्सीजन का किससे रिएक्शन होगा बताओ? ऑक्सीजन से O3 बना लेगा। फिर ऑक्सीजन का सल्फर से होगा तो क्या बनाएगा? SO2। ऑक्सीजन का सेलेनियम से होगा तो SCO2, और टेलुरियम से होगा तो CeO। क्या बात? आप लोग जब तक पीडीएफ ही नहीं पढ़ोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है? आप लोग को पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir, sir. पीडीएफ पढ़ना। क्या क्या बोल रहे हो? पोलोनियम से रिएक्ट नहीं करता सर ऑक्सीजन? नहीं, पोलोनियम वगैरह पता है क्या वो, मतलब जो चीजें नहीं रिएक्ट करती उसको नहीं लिखा गया है, ठीक है? तो पता है क्या, ऊपर से नीचे आने पे पता है क्या, अब ये बताओ जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है और टेलुरियम डाइऑक्साइड है वो क्या होते हैं? दोनों सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और जो सल्फर का डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन का ऑक्साइड होता है तो यह क्या होता है? यह गैस होता है। पहली बात, ऑक्सीजन और सल्फर वाले के ऑक्साइड क्या होते हैं? गैस होते हैं। और सेलेनियम और टेरियम का ऑक्साइड सॉलिड होता है। ये देखिए, अब ऊपर से नीचे आओगे तो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा वह डिक्रीज होगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, जो हमारे पास टेलुरियम का ऑक्साइड है यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और जो SO2 है वह किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप बताओ किस लिए, क्यों ऐसा है, जरा बताओ ना आप लोग। सर, क्योंकि जो TeA है वो ऑक्साइड मतलब दूसरे को ऑक्साइड। देखो, पहली बात सुन लो, मैंने क्या बोला था, जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी पाया जाता है, +2 भी पाया जाता है, +6 भी पाया जाता है। और जो हमारे पास टेलेरियम है ना, इसमें क्या पाया जाता है जरा बताना? इसका भी +6 पाया जाता है। लेकिन हम ऊपर से नीचे आने पे जो हमारे पास +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होता है या फिर बढ़ता है? कम होता है। ये मैंने लिखवाया है, बताया है। तो आप बताओ, क्या टेलेरियम +6 में रहना चाहेगा क्या? नो सर, नहीं रहना चाहेगा। नहीं रहना चाहिए, जाहिर सी बात है। किस में रहना चाहेगा? कम में ही रहना चाहेगा, +4 में या फिर +2 में, उससे भी कम में रहना चाहेगा। अभी बताओ, अभी किस टाइम है ये, किसका है? अभी ये +4 में है, जाहिर सी बात है और भी कम में रहना चाहेगा। मान लेते हैं कि +2 में जाना चाहेगा, तो आप बताओ क्या खुद को रिड्यूस कर रहा है क्या? Yes, sir. खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो सल्फर है SO2 है यह इस टाइम +4 में है, लेकिन यह ऊपर से नीचे आने पर +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, लेकिन फिर भी सल्फर का कितना आएगा? +6 आएगा। और +6 आएगा तो यह +4 से +6 में जाना चाहेगा, तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। क्या बातें क्लियर है? अब देखो, अगर मान लो EO2 एंड EO3 बोथ आर एसिडिक ऑक्साइड, EO2 एंड EO3 बोथ ऑफ एसिडिक ऑक्साइड होता है। हाँ जी बताओ सर, जो हमारे से क्लोरियम होता है सर, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता? नहीं करता है, इसलिए नहीं दिया हुआ। ओके सर, ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि हैलोजन के साथ रिएक्शन। पहली बात है, जो हमारे पास ग्रुप 16 वाले हैं ना, वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके कुछ इस टाइप का बनाते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, सल्फर है, तो सल्फर किसी हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? SF6 बना लेगा। बोलो जरा। SF4 भी बना सकता है, देखो 6 वाला भी बना सकता है, 4 वाला भी बना सकता है, और SF2 भी बना सकता है, 2 वाला भी बना सकता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। अब देखो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं EX4 वाला टाइप का। EX4 वाले टाइप का जो हमारे पास SF4 होता है वो गैस होता है, SEF4 होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है, और TEF4 क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है?
सॉलिड होता है। क्या बात है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो EX4 यानी कि मैं किसकी बात कर लेता हूँ, SF4 की बात कर लेता हूँ। तो जो SF4 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, मान लो ये सल्फर है और यहाँ पे X की जगह सबके सब क्या है, क्लोरीन है। तो यह जो स्ट्रक्चर होगा ना, इसमें एक लोन पेयर होता है, वो कैसे स्ट्रक्चर होता है, सी सॉ होता है। क्या मैंने बताया था, क्या SF4 सी सॉ जैसे होता है? Yes, sir. अगर मान लो कि हमारे पास SF6 होता है यानी कि छह वाला होता है, यह क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसकी ज्योमेट्री क्या होती, ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या बातें क्लियर है? यस सर। सर ये जो sf6 था इसमें स्टेरिक वाला क्या था, स्टेरिक रीजंस? देखो मान लो कि हमारे पास s है और यहाँ पे f है, मैंने ये आप लोग को बताया भी है, f f और f, क्या यह पॉसिबल है? क्या पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन क्या है, छोटे साइज का है। लेकिन HCl6 पॉसिबल होता क्या? नो सर। लेकिन क्योंकि क्लोरीन क्या है, बड़े साइज का है, यही मैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, किसी ना किसी क्लास में मैंने बताया था। अगला देखो, अब रिएक्शन विद हैलोजन्स के साथ देख लेते हैं, ठीक है, हैलोजन्स का। अब EX2 टाइप का देख लेते हैं। EX2 टाइप का क्या मतलब है, आप बताओ। मान लो सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, जरा बताना, छह होता है ना, छह होता है, तो दो से तो इतने बॉन्ड बना लिया, कितने लोन पेयर इसके पास, दो लोन पेयर है। तो पहली बात सुन लो, दो लोन पेयर है ना, तो हमारे पास मान लो कि OF2 तो बन जाता है क्योंकि ये दोनों का साइज क्या है, छोटा छोटा है। लेकिन OCl2 नहीं बन पाता है, क्योंकि इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि आप बताओ जब बड़ा बड़ा क्लोरीन हो जाएगा तो पास पास आ जाएगा, जब पास पास आ जाएगा तो रिपल्शन करेगा, बोलो। Yes, sir. ऐसे ही आप बताओ ब्रोमीन वाला भी नहीं बन पाएगा क्योंकि यह तो और भी ज्यादा रिपल्शन करेगा। Yes, sir. क्या बात है, क्लियर है क्या? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? No, sir. कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम? अब देखो डाइमेरिक नेचर, डाइमेरिक नेचर का क्या मतलब है, डाइमेरिक नेचर का मतलब है कि डबलिंग कर लेते हैं। जैसे देखो H2F2 यानी कि दोनों डबलिंग कर लिए क्या, H2Cl2 दोनों डबलिंग कर लिए क्या, Yes, sir. अब लिखा है YSF4 can be hydrolyzed, whereas SF6 cannot be hydrolyzed. जो हमारे पास SF4 है ना, इसको हम इजीली हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने का क्या मतलब है, पानी के थ्रू तोड़ना। तो SF6 को नहीं कर पा रहा है लेकिन SF4 को कर ले रहा है, रीजन पूछ रहा है हमसे। सिंपल सी बात है, अगर मान लो वाटर आएगा, वाटर H2O, तो इसके पास तो आप बताओ जगह है ना, इधर से वाटर आसानी से अटैक कर सकता है, फ्लोरीन को बाहर निकाल सकता है। लेकिन आप बताओ इस केस में वाटर कहां से आएगा, चारों तरफ तो जगह फिक्स ही पूरा हुआ है, कहीं से जगह है क्या वाटर को आने का? नो सर, सही जगह है। तो इसीलिए SF4 में पता है क्या होता है, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, और SF6 में क्या होता है, हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। देख लो ये यहाँ पे आसानी से जगह है, यहाँ पे आसानी से आ सकता है, लेकिन आप बताओ कि आसानी से इधर जा सकता है क्या? नो सर। क्या बात है, क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन आपको पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं एनालोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एनालोमस बिहेवियर देख लेते हैं कि इसका यूनिक बिहेवियर क्या चीज है और कैसे ये है, ठीक है। मैं फिर से ये आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को क्वेश्चन वगैरह बताऊंगा। तो अब एनालोमस बिहेवियर की बात देख लो क्या है, ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात देख लो, यह सल्फर से बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, और जब बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है बातें? यस। अब पहली बात है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे ही। अब देखो बात करते हैं एनालोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके पास एबिलिटी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का,
अब मैंने आपको बताया था, कल आपको बोला था फोन एफ ओ एन, अगर इन तीनों के पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर अगल बगल से कहीं भी हाइड्रोजन गुजरे तो यह एक अट्रैक्शन शो करने लगता है, और अट्रैक्शन शो करेगा किसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप बताओ H2O है, H2O में हमारे पास H है और क्या है जरा बताओ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये बताओ हमारे पास मान लो दो पानी का मॉलिक्यूल है, एक पानी का मॉलिक्यूल H और दूसरे पानी का मॉलिक्यूल O, तो आप बताओ क्या ये अट्रैक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बातें, क्लियर है क्या? यस क्लियर है। अब ये बताओ सल्फर भी है, सल्फर भी आप बताओ हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं सर, क्योंकि मैंने आपको केवल और केवल क्या बोला, फोन, पी एफ ओ एन, फोन। अरे भाई आप ये बताओ फ्लोरीन के साथ के अगल बगल अगर हाइड्रोजन गुजरेगा तो उसको भी तो अट्रैक्ट करेगा ना, चाहे ऑक्सीजन के बगल से गुजरे, चाहे नाइट्रोजन के बगल से गुजरे, चाहे फ्लोरीन के बगल से गुजरे, लेकिन इसके अलावा कोई भी होगा तो क्या अट्रैक्ट करेगा क्या हाइड्रोजन? नहीं करेगा। डन है क्या बातें? यस सर। ठीक है, अब एक बात और देख लो, एक बात, एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ये बताओ ये पी पाई क्यों बनाता है, ये डी पाई क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसके पास पी ऑर्बिटल नहीं होता, पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये पी पाई बना लेंगे। बातें क्लियर है क्या? यस। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हैं? तीन। मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। अब ये बताओ कि वाई एच टू ओ इज लिक्विड एंड एच टू एस इज गैस, यह लिक्विड क्यों है? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, H2S में नहीं होती। देखो अब ये बताओ कि H2O है हमारे पास, तो H2O है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा क्या? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, चिपके होंगे, यानी काफी पास पास होंगे। अब जब मॉलिक्यूल पास पास होते हैं तो लिक्विड होता है या फिर सॉलिड होता है। और आप बताओ कि वही हमारे पास इसमें नहीं मिलता है, सल्फर वाले केस में नहीं मिलता है, जब सल्फर वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगा तो इसके मॉलिक्यूल क्या क्या होंगे, दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, तो क्या होगा, गैस होगा, गैस होगा। यस हाँ जी बता दो भाई। सर ये जो वाटर आपने कहा कि लिक्विड में, वाटर तो गैस में भी होता है, वो वाटर वेपर्स। अरे भाई उसको आप एनर्जी दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा, ऐसे थोड़ी गैस में होता है। अच्छा ठीक है, एनर्जी देनी पड़ती है ना यार, आप एनर्जी लगा के किसी का भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, ठीक है? Yes. हाँ होते हैं ना सरकारी जॉब वाले, ऐसे आप लोग रील्स वगैरह नहीं देखते हो? Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर, जिसकी सरकारी जॉब होती है उसकी अच्छी अच्छे अच्छे लड़के से शादी हो जाती है, ठीक है? ये सब एनर्जी का मूल है, यूपीएससी करनी पड़ेगी सर फिर, वही वही बात है, अब सरकारी जॉब में भी अच्छा जॉब। तो ये तो मैंने बता दिया ना कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है लेकिन H2S में नहीं पाया जाता है, तो वही रीजन है। और समरी देख ले कि हम लोग समरी, तो सिंपल सी बात है, समरी में देख लो कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कुछ होगा, तो NH2 और NP4 हमारा इसका क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा जरा बताना, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेटलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब ये बताओ स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज। और एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज, इंक्रीज। अगर मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो क्या होगा, प्लस 6 और प्लस 4, ठीक है। अगर ये सब हाइड्रोजन से मिलके किस टाइप का रिएक्शन कर, किस टाइप का वो बनाते हैं, H2E टाइप का बनाते हैं, यानी H2S हो गया, H2 हो गया, इस टाइप का बनाते हैं। और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किस टाइप का बनाते हैं, EO2 या फिर EO2 and EO3 टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि मान लो EO2 का क्या मतलब है, SO2 या फिर SO3। SO3 क्लियर है क्या?
या हैलोजन से मिलके किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं? EX6 EX2 सर E का मतलब क्या है? E का मतलब पूरे हैलोजन पूरे ऑक्सीजन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी E का मतलब आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सेलेनियम भी हो सकता है, टेलुरियम भी हो सकता है। ओके समझे क्या सर? SO4 भी होता है ना? क्या देखो SO4 माइनस माइनस होता है, ठीक है? SO4 नहीं होता है। यस सर, मतलब 2 माइनस। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अब ये कुछ रेफरेंस क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ लेना। और पहली बात, इस पीडीएफ को आप लोग क्या करना, जरूर रिवीजन कर लेना। अब कुछ ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी देख लो, इसके कुछ रिएक्शंस वगैरह हैं। ऑक्सीजन की क्या है, कुछ रिएक्शंस वगैरह हैं, ठीक है? ये सब आप लोग देख लेना। ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे पास KClO3 है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो 2KCl बनेगा और 3 ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है? तो ये ऑक्सीजन का प्रिपरेशन हो गया। और ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टी है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, HCl को ऑक्सीजन से कराओगे CuCl2 के प्रेजेंस में तो Cl2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक है? Yes. और भी कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है क्या किसी को? एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुको, आप लोग एक बार पढ़ो जरा, आप लोग इसको एक बार पढ़ो। पढ़ो जरा आप लोग इसको एक बार। एक मिनट जो भाई ठीक से सांस ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? नो सर। एक बार पढ़ के बताओ। पढ़ के बताओ आपको एक बार। पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? Yes, sir. Done, sir. हो गया, डन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Done. ठीक है, किसी का कुछ डाउट एक बार देख के बताओ। PYQ हम लोग सॉल्व करें क्या? आओ देखते हैं PYQ सॉल्व करें। Yes, sir. कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ कि आप लोग को कैसे करना है, ठीक है? अब हमारे पास एक ना 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है क्या, 2023 के बाद से ना, ये दिसंबर में ही ना कि सिलेबस कुछ चेंज हुआ है और ये सब ना क्वेश्चन हटा दिए। तो बोला है कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड में हमारे पास क्या पूछ रहा है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में हमसे क्या पूछ रहा है जरा बताना, कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड का रेशियो बता दो। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए? यस। बोलो जरा, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए? यस सर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यह पूछता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन सर +5 क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। इसी साल का क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2024। हाँ, ये इस साल का नहीं है, ये 2023 का है, लेकिन ना सिलेबस चेंज होने की वजह से ना ये सब अब हटा दिया है, तो मैं आपको इजेक्ट बताता हूँ कि ये सब कुछ नहीं आएगा। आएगा इस टाइप का क्वेश्चन जो हमारे पास केवल एनालोमस बिहेवियर से ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, जनरल ट्रेंड आएगा और एनालोमस बिहेवियर आएगा। अब क्या पूछ रहा है, पहला देखो, ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड ऑफ जनरल फॉर्मूला E2O2 एंड EO3 वेयर E इज क्या, इतना इतना इतना, बोथ द टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। क्या बातें सही है कि गलत है, सोचोगे क्या आप लोग, पूछना आप लोग? सर ये लास्ट वाला मेटल होता है, तो सर ये तो आप लोग इसको करना, आप लोग सोच के करना, ठीक है? अब देखो इसका बी ऑप्शन क्या दिया, बी ऑप्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, टेलेनियम ऑक्साइड एंड TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। सोचोगे क्या आप लोग, कुछ दिक्कत आएगी क्या इसमें? आप लोग, मैं बता रहा हूँ, एक बार आप लोग पीडीएफ पढ़ना, पीडीएफ पढ़ लोगे ना तो इजिली आपसे हो जाएगा, ठीक है?
लिखा हुआ द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज फ्रॉम H2S2H2PE डाउन द ग्रुप, ये भी आप लोग सोच लोगे कर लोगे? यस। अब लिखा है ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा क्या? यस। कोशिश करना, अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, हो जाएगा, कोशिश करना आप लोग, ठीक है? यस सर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लिखा हुआ ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एक्साइबिट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सर रॉन्ग है, ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 का पहला मेंबर है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्या बातें सही है क्या सर? अब दूसरे वाले का देख लो, दूसरे वाले का डाउन द ग्रुप 16 स्टेबिलिटी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। ट्रू सर। सर इनकरेक्ट है, सर इनकरेक्ट है। देखो पहली बात स्टेबिलिटी डाउन, स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी कम होती है, क्लियर है तो ट्रू होगा ना। सेकंड पैकिंग वाला गलत होगा सर, दोनों ही गलत है सर, दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्या चीज सर? दोनों स्टेटमेंट गलत है, गलत। तो एक बार आप लोग ट्राई करना, ठीक है, आप लोग कोशिश करना है, आई होप आप लोग समझ सकते हो बात को, क्लियर है? क्लियर है क्या बात? यस सर। हो जाएगा क्या? यस यस सर। दोबारा पूछ लेंगे फिर। हाँ पूछ लेना कोई, अरे मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दूंगा ये सेम क्वेश्चन, ना रिवीजन क्लास में कराऊंगा ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन केमिकल फॉर्मूला फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, आपने नाम सुना क्या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहीं ना कहीं? गूगल पे ढूंढना कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2H2O7 होता है, आप लोग ढूंढना एक बार, ढूंढ के कोशिश करना। देखो ये भी क्या है, डाई नाइट्रोजन इज एन डाई एटॉमिक गैस व्हिच एक्ट लाइक इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट आर -3, +3, and +5, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नाइट्रोजन सो मैक्सिमम कोवेलेंसी +6, कर लेना यार सर। ऑप्शन ए होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। अरे कई सारे ऑप्शन है इसमें, आई होप मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा सर? नो सर। हां आप तो कोशिश करना, बिल्कुल नहीं आएगा दिक्कत, बिल्कुल आनी भी नहीं चाहिए दिक्कत, ये सब के सब PYQ है और PYQ आप लोग से हो जाएंगे तो सब हो जाएंगे, ठीक है? और मैं ना पूरा कोर्स पूरा कराने के बाद ना मैं आप लोग को ना कम से कम 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दूंगा ताकि PYQ और भी ज्यादा कराऊं और जो चीजें छूटे हैं ना वो आप लोग से इजीली हो जाए। ओके सर। ठीक है, मैं पूरा हर एक चीज कराने के बाद 2 दिन और भी एक्स्ट्रा टाइम दूंगा आप लोगों को ताकि आप लोग क्या करो और भी बेस्ट से कर सको। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ आई होंगी। थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ आप लोग। यस सर रुको एक मिनट, आप लोग रुक जाओ। डन हो गया क्या? नहीं नहीं। यस सर। कौन सा ग्रुप है आप लोग का जरा बताना सर? B3 B03 G12। सर हमारे वाले में भेज दो DLB03। सबसे पहले तो मैं HP में भेज रहा हूँ, ठीक है, HP वाले में मैसेज। HP के बाद हमारे पास आता है DL वाले में करता हूँ सेंड में। हेलो सर। अब DL के बाद कौन सा ग्रुप है जरा बताना? ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। एक बार बताओ क्या सबके ग्रुप में चला गया क्या, एक बार आप तो कंफर्म करके बताओ। यस सर आ गया। कोई ऐसा जो है जो फर्स्ट डे है जिसका? सर आ गया। क्या सबको क्लियर है क्या बातें मेरी? यस सर। यस सर। किसी को भी कुछ भी डाउट होगा आप लोग ना बातें कर लेना, ठीक है, और मैं आप लोग को